এটকীয়া কয়েন এটা পেলাই দিলেই সেনিটারি নেপকিন ওলাই আহিব। গাঁৱৰ মহিলাসকলক স্বাস্থ্য সুৰক্ষা প্ৰদানৰ উদ্দেশ্যে এই বিশেষ ব্যৱস্থা মুকলি কৰা হ'ল এইখন অসমত। কেৱল এয়াই নহয়, কেনেকৈ মেচিন কয়েন ভৰাই চেনিটাৰী নেপকিনৰ পেকেট এটা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰি আৰু মেচিনটো কেনেকৈ চলাব পাৰি, লগতে মহিলাসকলক সহায় আৰু মেচিন ৰক্ষণাবেক্ষণৰ বাবে মহিলা BSF নিয়োগ কৰা হৈছে। ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্ত কৰিমগঞ্জৰ লাফা চাইলত BSF আৰু শিলচৰৰ ৰোটাৰী ক্লাব গ্ৰীণলেণ্ডৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হয় এখন স্বাস্থ্য শিবিৰৰ। স্বাস্থ্য শিবিৰ আয়োজন কৰাৰ উপৰিও এখন অত্যাধুনিক মেচিন স্থাপন কৰা হৈছে। এই মেচিনৰ জৰিয়তে মাত্ৰ এটকা দি সীমান্তৰ মহিলাসকলে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব চেনিটাৰী নেপকিন। মাহেকীয়াৰ সময়ত যাতে চাফ চিকুণি থাকিব পাৰে আৰু কোনো ধৰণৰ যাতে স্বাস্থ্যজনিত ৰোগ নহয়, সেইবাবে এনেধৰণৰ মেচিন স্থাপন কৰা হৈছে। ইপিনে সীমান্তৰ 28 নম্বৰ গেইটত আয়োজন কৰা স্বাস্থ্য শিবিৰত বিপুল সঁহাৰি লাভ কৰিছে মহিলাসকলে। লগতে এই স্বাস্থ্য শিবিৰত বিনামূলীয়াকৈ ঔষধ বিতৰণ কৰা হয়। जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, लेडीज हैं, उनमें जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन होता है, माहवारी हाइजीन जो होता है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसको कि आमतौर पे ऐसे रूरल इलाके में नज़रअंदाज किया जाता है। तो उसके लिए इन्होंने एक मशीन दी है, डोनेट किया है आप गाँव वालों के लिए, यहाँ पर लगाया जाएगा। और उसमें जो पैड होता है नैपकिन जो होता है, वो उस मशीन में आप ले सकते हैं, खास करके जो हमारी माताएं हैं, बहनें, और उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें 1 रुपया को आपको दीजिएगा तो आपको पैड मिलेगा, उसको इस्तेमाल कीजिएगा तो आप इन्फेक्शन से बच रह सकते हैं, अच्छी आप जिंदगी जी सकते हैं। ये महीने में एक बार ये सभी महिलाओं के साथ ये आता ही है, तो अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी रहेगी, कभी इन्फेक्शन नहीं होगा, कोई इस तरह की डिजीज नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा। माताएं, बहनें एवं साथियों, आज करीबन 2-2.5 महीने पहले हमने डॉक्टर करवाल को रिक्वेस्ट किया था कि जो हमारे दूर दराज गाँव हैं वहाँ पे आकर के एक मेडिकल कैंप करें, और जो हमारे ऐसे लोग हैं गांव के, दूर दराज गाँव के, जिनको समुचित व्यवस्था नहीं मिल पाती है, मेडिकल व्यवस्था, उन वहाँ पे जाकर के पहुँच करके सर्विस एट योर डोर जो एक सर्विस होती है उसके तहत यहाँ आकर के इनको मेडिकल एग्जामिनेशन करें और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन करें। और मैं आप सबका बहुत ही आभारी हूँ कि आप इतनी दूर चल करके हमारे जो लाफासिल जो गांव है वो इससे एक्सट्रीम या इंटीरियर कोई गांव हो नहीं सकता है, बिकॉज ये बिल्कुल ही बॉर्डर पे, यहाँ पे आपको बॉर्डर पिलर दिखाई देगा, आप कैंप के बाद आपको दिखाएंगे बॉर्डर पिलर, तो बॉर्डर पिलर के ऊपर ये गांव बसा हुआ है और इससे ज़्यादा इंटीरियर कोई गांव नहीं हो सकता है। यहाँ आप आए और अभी आगे आप लोग अपनी सेवाएँ देंगे, इसके लिए आपके हम शुक्रगुजार हैं।